Hello friends, let's start trigonometry lesson in this video. It's really very very interesting lesson to learn. Now before we go ahead, let me suggest you should memorize all these Pythagorean triplets. ये Pythagorean triplets है अपने lower standards के अंदर study किया होगा, जैसे ये side 3 है, ये side 4 है, hypotenuse is the biggest side always, तो ये हो जाएगा 5. So 3, 4, 5 इस तरह से आपको पता होगा, तो आपको जो थर्ड साइड है ट्राइंगल की मिसिंग साइड है वो ढूंढना बहुत ही इजी रहेगा. सो बिफोर वी गो अहेड, यू राइट डाउन दिस ऑल पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन योर नोटबुक एंड मेमोराइज इट. नाउ 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है जिसके फॉर्मूले आपको याद रखने, और उसके लिए मैंने ये हिंट बनाई हुई है. ओके, इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है थेटा. थेटा जो है फ्रेंड्स, आप सी पे ले सकते हो, यानी कि यहां पे ले सकते हो और यहां पे ले सकते हो, बट जहां पे राइट एंगल बनता है वहां पे कभी भी थेटा नहीं होता है. सो दिस इज दी ऑप्शन, या तो यहां पे थेटा ले लो या यहां पे थेटा ले लो. जो साइड आप थेटा कंसंट्रेशन में करोगे, जो एंगल आप थेटा कंसंट्रेशन में लोगे, उसकी सामने की साइड को बोलेंगे अपोजिट. दिस साइड इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज एडजेसेंट. ये हाइपोटेन्यूस होगी, इट कैन नॉट बी एडजेसेंट. यहां पे भले हमने ऐसे बनाया, सो दिस इज एडजेसेंट, दिस इज हाइपोटेन्यूस, राइट? दिस कैन नॉट बी एडजेसेंट, दिस इज हाइपोटेन्यूस. नाउ हम ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज है वो कर रहे हैं, उसमें से हम साइन से स्टार्ट कर रहे हैं. साइन थेटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सो साइन थेटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. यहां से बने बनाया सो के तो, आपको याद रखना है सो के तो. साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. कॉस थेटा इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस. टेन थेटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. नाउ ये तीन करने के बाद, ये तीनों तीन यहां से है, कॉस एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस एंड टेन अपोजिट एडजेसेंट. नाउ ये तीनों तीन करने के बाद बाकी के तीन ऑटोमेटिक आएंगे. कैसे आएंगे? जैसे फ्रेंड्स कॉसेक है वो साइन का उल्टा है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट. सो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट, इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया. देन कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा है, उसी तरह सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, ठीक है? सो सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट, इसका रेसिप्रोकल कर दिया. एंड cot theta is equal to adjacent upon opposite. Now इसके हिसाब से आपको सम सॉल्व करने, अगर आपने ये थेटा लिया है तो देखो इसमें अपोजिट साइड का अगर नाम लिखना हो तो इसमें अपोजिट साइड का नाम हो जाएगा ए बी एंड हाइपोटेनस का नाम हो जाएगा ए सी. सो इस तरह से आपको आगे सम सॉल्व करने आएंगे. जो थेटा होगा उसके हिसाब से आप साइड्स लिख सकते हो. सो बेसिक जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, आपको समझ में आए, ठीक है? तो इसके फॉर्मुलेज आपको याद कर रहे हैं, इसके रिलेटेड जो सम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.